अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको अहम खबर दें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार का ओहदा खाली था। डिप्टी रजिस्ट्रार आमिर राना को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी जिम्मेदारी दी गई थी। अब जजीला असलम को बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार का ओहदा खाली था। डिप्टी रजिस्ट्रार आमिर राना को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इजाफी जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब जजीला असलम को बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोलियों नुमाइंदे अब्दुलरहमान से। अब्दुलरहमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण कर दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीन भट्टी की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट के खालिद बशीर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम जो है अब कुछ आज या कल अपनी जिम्मेदारियां जो है बाज़ाब्ता तौर पर बतौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के संभाल लेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फराइज सर इंजाम दे रही थी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक